मेरे प्यारे छात्रगण, दसवीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि ईमानदारों के सम्मेलन, इसका जो लेखक है हरिशंकर परसाई, लेखक को ईमानदार मानकर उसे सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए बुलाए। उस वक्त लेखक आया और शानदार तरीके से भाषण दिया। जैसे ही भाषण देकर वह नीचे उतर रहे थे, उसी वक्त क्या हुआ, वेरी गुड सुपर, उसी वक्त जैसे ही आकर उन्होंने चप्पल पहनना चाहा कि उसके चप्पल गायब हो गए। शहर में और उस सम्मेलन में यह समाचार फैल गया कि हमारे परसाई जी का जो चप्पल कोई पहन गए हैं। यह जो इतना होने के बाद में एक ईमानदार कहने वाले एक डेलीगेट प्रतिनिधि वहां आया और उसके जो पैरों में लेखक का नया नया चप्पल था, जो लेखक के पैरों में था ना पुराना फटा हुआ चप्पल, वह उसका ही था। वहां आकर उस ईमानदार डेलीगेट आकर लेखक को समझा रहे हैं, एक चप्पल ऐसे जो लोगों की भीड़ में आपको क्या करना है, चप्पल एक चप्पल यहां रखे तो दूसरा चप्पल बहुत दूर रखना है, इस तरह आप अपने चप्पल बचा सकते हो। लेखक को बहुत क्रोध आया हुआ है। कारण क्या है, वह मेरा ही चप्पल पहनकर मुझे ही समझा रहे हैं, इससे थोड़ा आक्रोश है। फिर भी अपने आप को संभाल कर नया चप्पल खरीद लूंगा, ऐसा कहकर वहां से जुदा लेते हैं। उसके बाद में उनके एक चादर गायब हो गया। चादर गायब होने पर वहां का ही जो कार्यकर्ता ने कहा कि शायद धोने के लिए लेकर जाए हो गए, ऐसा कहने पर शाम को दूसरा आएगा ऐसा कह दे। शाम को और दो चादर गायब था, इस तरह गायब के ऊपर गायब ऐसा हो रहा था। इसी बीच में लेकर अपने इसी बीच में लेखक को वहां के जो कमरे के बगल में ही एक शोर सुनाई दी, वहां था कि अपना ब्रीफकेस गायब है। उसने पूछा, लेखक ने पूछा कि क्या उसमें पैसा था, उन्होंने कहा पैसा तो नहीं था, मात्र कागजात था, तब तो तुम्हें वह सूटकेस जरूर मिलेगा, ऐसा कहकर उन्हें सांत्वन कर दिया। इसी बीच में वह धूप का चश्मा पहनकर एक बैठक में भाग लेने के लिए जाने वाले थे। बैठक में भाग लेने के लिए जाते वक्त क्या हुआ, और धूप का चश्मा भी धूप के चश्मा की हालत कैसा हो गया, क्या हो गया, इन सभी विचारों के बारे में हम अब चर्चा करने वाले हैं। मैंने बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंच गए। वह बैठक में भाग लेना चाहता था, उस वक्त धूप का जो चश्मा पहनकर जाने वाला था, लेकिन धूप का चश्मा जहां रखा था वहां नहीं था, यहां भी गायब हो गए था। इसलिए लेकर बिना धूप के चश्मा से ही वहां से आगे बढ़ा। बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा और बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। इसी बीच में बैठक में भाग लेते वक्त एक 15 मिनट की क्या हुआ, ब्रेक मिला, चाय की छुट्टी मिला। होता है अधिवेशन, और नहीं तो आप समझ सकते हो कि सभा, और नहीं तो विचार गोष्ठी, जहां चर्चा होते है ना उस जगह है। बैठक में भाग लेने के लिए वहां पहुंच गए। इस बीच में चाय की छुट्टी हुई, ब्रेक हुआ, एक ब्रेक था, शॉर्ट ब्रेक था। लोगों ने सहानुभूति प्रकट की, जैसे लेखक के चप्पल गायब थे, चादरें गायब थे, और साथ ही साथ चश्मा भी गायब है, इसके लिए लोग आकर उनके प्रति सहानुभूति, यो देवा या ये ना कोई तुम्हारे शह निम्म एल्ला थिंग्स गुड़ो गुनंदागे काने आते हैं, सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, इनके बीच में से एक सज्जन आया और उसने कहने लगा, बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका दूध का चश्मा ही चला गया है, बड़ी चोरियां हो रही है, ये ईमानदारों के सम्मेलन है, यहाँ ईमानदार बहुत सारे हैं, फिर भी यहाँ
चोरियां हो रही है, कड़तन आगता है, चोरिया मतलब कड़तन आगता है। आखिर यह ईमानदार सम्मेलन कहना ही गलत है, क्योंकि क्या है, यह सब कुछ बेईमानदारी का काम ही चल रहा है। और आकर वह सज्जन यहाँ कहा, वह दुख का चश्मा लगाए थे, जो सज्जन उनके सामने आया था ना, वह दुख का चश्मा पहना हुआ था, वह दुख का चश्मा पहनकर आया हुआ था। लगभग वह चश्मा क्या था, लेखक का ही था, दिखने में से 100% लेखक का ही था। क्या लेखक इसका भी क्या अंदाज लगा देते हैं। देखिए, मुझे याद था कि एक दिन पहले वह दुख का चश्मा नहीं लगाए थे, पिछले दिन यह जो सज्जन आदमी मुझसे जो बातचीत कर रहा है ना, वह ईमानदारों के सम्मेलन में बहुत बड़ी चोरियां हो रही है, यह कहने वाले यह सज्जन आदमी जो दुख की चश्मा पहने हुए सज्जन आदमी, पिछले दिन यही आदमी बिना दुख के चश्मे से आया था, उसके पास चश्मा नहीं था, लेकिन आज उसके पास चश्मा आ गए हैं। देखिए, दुख का चश्मा आ ही गया है। और दुख का चश्मा नहीं लगाए थे, मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था, जो चश्मा वह लगाए थे, जो चश्मा वह पहने हुए थे, वह लगभग 100% लेखक का ही था। इसका मतलब है पिछले दिन उनके पास नहीं था चश्मा, आज के दिन वह उनके पास था। मतलब चोरी करने वाले लगभग यही सज्जन था। वह जो सज्जन था ना, वह सज्जन कहने लगा कि आपने चश्मा लगाया नहीं था क्या, आपने जो चश्मा आपका चोरी हुआ है ना, वह चश्मा आप लगाए नहीं थे क्या, ऐसा पूछताछ कर रहे हैं। मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है, मैंने कमरे के टेबल पर रख दिया था। रात को यह धूप का चश्मा किसे पहना जाता है, सनलाइट में ज्यादा से ज्यादा रोशनी से आंखों के लिए तकलीफ होते हैं, इसलिए सनलाइट से बचने के लिए यह धूप का चश्मा लगाया जाता है। धूप का चश्मा यह एक आंखों के लिए कूल जो सन्निवेश पहुंचाते हैं, और नहीं तो महसूस कराते हैं, ठंडी का जो वह महसूस कराते हैं, तीक्ष्ण प्रहार का जो सनलाइट रहे तभी वहां आप आंखों के लिए थोड़ा ठंडक महसूस कर सकते हो धूप का चश्मा पहने। मैंने कहा, रात को क्या चांदनी में, चांदनी में मतलब मूनलाइट में क्या कोई धूप का चश्मा पहनते हैं क्या, उसका नाम ही धूप का चश्मा है, वह तो धूप में पहनना है, यह क्या चांदनी में, चांदनी मतलब मूनलाइट, मूनलाइट में क्या हम धूप का चश्मा पहन सकते हैं क्या, मैंने टेबल पर रखा था, टेबल पर रखा था, वह डायरेक्टली यह सज्जन चोरी किया था। देखिए, इतना ही हुआ, टेबल पर रखा था। वह बोले, कोई उठा ले गया होगा, कितना जो आश्चर्य, देखिए खुद वह चोरी किया हुआ है, वह चश्मा जो पहना हुआ था ना वह लेखक का ही था, फिर भी वही समझा रहे हैं, कोई शायद उठा लिया होगा, मैंने उन्हें देख रहा था और मेरा ही चश्मा लगाए इत्मीनान से बैठे हैं, इत्मीनान जो कहना सांत्वन तरीके से और आराम से बैठे हैं, इत्मीनान मतलब आराम से बैठे हुए हैं वह आदमी, और कह रहा है कि शायद कोई उठा लिया होगा आपका चश्मा, ऐसा कह रहा है। मैंने देख रहा था, लेकर देख रहा था कि वह बहुत आराम से वहां बैठे हैं। तीसरे दिन रात को लौटा, यह तीसरे दिन, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन का यह सन्निवेश है। तीसरे दिन रात को यह लौटा तो वह हरारती थोड़ी ठंडी भी थी, हरारती और थोड़ी ठंडी भी थी, हरारत मतलब बिजी गर्मी, थोड़ा सा जो गर्म का वातावरण भी था और थोड़ा ठंडी वातावरण भी, मतलब ठंडक भी महसूस हो रहा था। मैंने सोचा कि बिस्तर से कंबल निकाल लो, और पर कंबल भी गायब था। देखिए, कंबल क्यों
रखते रहे। यहाँ क्या है, इनके लिए ओटे के लिए नहीं तो क्या है, सोने के लिए इनको कंबल बिस्तर, बिस्तर से दो मतलब बिस्तर के अंदर कंबल रखे हुए थे, दो बिस्तरों के बीच में से कंबल रखे हुए थे, थोड़ी ठंडक जो एहसास नहीं होना है, ठंडक वातावरण लेखक को महसूस नहीं होना है, इसलिए थोड़ा गर्म का भी वातावरण था और ठंडा के वातावरण भी था, इसलिए लेखक ने क्या सोचा, उसके अंदर रखा हुआ उस कंबल को निकाल देता हूं, ऐसा वहां सोचकर उन्होंने बिस्तर से कंबल निकालना चाहा। उस वक्त बिस्तर मतलब बेड, हासिए बेड कहते हैं ना, वहां से जो कंबल रखा हुआ था ना उसे निकालकर उन्होंने जो कहना बिस्तर पर सोना पसंद किया, क्योंकि क्या है थोड़ा गर्मी होता है और ज्यादा जो हीट होता है, इसलिए वह ऐसा आलोचना किया था। बिस्तर से कंबल निकाल लो पर कंबल भी गायब था, उसके जो वह कंबल रखा हुआ वहां कंबल भी गायब हो गया था, फिर हल्ला हुआ, फिर शोर मच गया, आखिर यहाँ क्या क्या चोरी हो रहा है। पहले चप्पल चोरी हो गया, चादरें चोरी हो गए, और उसके बाद में ब्रीफकेस चोरी हो गया, और चश्मा भी चोरी हो गए, अब कंबल भी चोरी हो गए, तीसरे दिन रात को कंबल भी चोरी हो गए, पर कंबल भी गायब था, फिर हल्ला मचा। स्वागत समिति के मंत्री आए, वेलकम जो कमिटी के मंत्री आए, मंत्री जो मेन कहलाते हैं, वह मंत्री आए और कई कार्यकर्ता भी आए, वहां सभी कार्यकर्ता भी वहां उपस्थित हो गए, बहुत सारे कार्यकर्ता उपस्थित हो गए। मंत्री कार्यकर्ताओं से डांटने लगा, कार्यकर्ताओं को डांटने लगा, कार्यकर्ता तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा जो आयोजन इसलिए यहाँ किए गए है, यहाँ चोरी हो रहे है, तुम उसे संभाल नहीं पा रहे हो, आखिर तुम्हारा ड्यूटी क्या है, ऐसा सभी डांटने लगे, मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है ना, निवेन मारता इधर निम्म ड्यूटी इले देला अंत कौन कहता है, तुम्हारे रहते हुए चोरियां हो रही है, तुम यहाँ रहते हुए भी तुम्हारे यहाँ चोरी हो रहे हैं, यहाँ ईमानदार सम्मेलन है, बाहर यहाँ चोरी के बाद पहले तो कितनी बदनामी होगी, यहाँ तो ईमानदारों के सम्मेलन है, यहाँ तुम क्या कर रहे हो, बहुत सारे चोरियां हो रही है, यहाँ बाहर जो चले गए तो क्या जो दुर्दशा होने वाला है, नाम रखे है ईमानदार उनके सम्मेलन और यहाँ काम हो रहा है बेईमानदारी का काम यहाँ चल रहा है, यदि यह समाचार बाहर तक पहुंचे तो कितना जो हमारा नाम खराब हो जाएगा और बदनाम हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा हम क्या कर सकते हैं, हमें तो क्या कर रहे, हमें क्या है, अंदर जाते हैं लोग बाहर आते हैं, ये तो क्या है, हम उनसे उन्हें रोक भी नहीं सकते, क्योंकि क्या है सभी जो यहाँ आए हुए लोग ईमानदार डेलीगेट है, ईमानदार डेलीगेट होने के कारण से उन्हें हम रोके तो भी वह उदास भी हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा हमें भी वह सचेत रहना पड़ता है ना, इसलिए कह रहे हैं हम क्या करें, अगर सम्मानीय डेलीगेट यहाँ वहां जाए तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं, यहाँ जाए वहां जाए वहां मत जाओ यहाँ मत जाओ, ऐसा हम रोक नहीं सकते, क्योंकि क्या है वह सम्मानीय डेलीगेट है, वह जो बहुत रिस्पेक्टफुल जो व्यक्ति है, ईमानदार कहने वाले जो डेलीगेट है, प्रतिनिधि है, इसलिए उन्हें हम तो रोक नहीं सकते हैं, ऐसा कार्यकर्ताओं ने अपनी जो असहायता यहां कहा। मंत्री ने गुस्से से कहा, मंत्री ने बहुत गुस्सा आया हुआ था और गुस्से से वह कहा कि मैं पुलिस को बुलाकर यहां सबकी तलाशी करवाता हूं, यहां पुलिस को बुला देता हूं और सबकी तलाशी कर लेता हूं, देख लीजिए क्या होता है, हम भी देख लेते हैं, ऐसा वार्निंग दे रहा है स्वागत समिति के मंत्री। मैंने समझाया ऐसा हरगिज मत कीजिए, लेखक ने उसी वक्त समझाया कि हरगिज ऐसा मत कीजिए, क्योंकि क्या है यदि हम ऐसे किए तो बहुत नुकसान होने वाले हैं। मैंने हरगिज ऐसा मत कीजिए करिए, ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदार की तलाशी ले रहे तो बड़ी अशोभनीय बात होगी, फिर
इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी तो होगी ही है। वैसे जो लेखक बहुत सांत्वन तरीके से उन्हें समझा रहे हैं, मैंने समझाया ऐसा हरगिज मत कीजिए। हरगिज मतलब कदापि, आपको कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए है, पुलिसों को यहाँ बुलाइए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाश ले, ईमानदारों के सम्मेलन में नाम तो ईमानदारों के सम्मेलन में, यहाँ आकर पुलिस आकर ईमानदारों को ही तलाश लिया था। ये क्या है, ईमानदारों का तलाश नहीं होते हैं, बेईमानदारों का तलाश हो जाते हैं। तलाश लिए तो ये बड़ी अशोभनीय है, शोभनीय नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, यहाँ तो अशोभनीय है, ऐसा कह रहे हैं। फिर इतने बड़े सम्मेलन में तो थोड़ी गड़बड़ी होगी ही, वैसे इतने बड़े सम्मेलन की आयोजन किए वो, इसलिए यहाँ तो थोड़ी गड़बड़ी तो होते ही रहते हैं, मिस्टेक हुआ यहाँ सब कुछ, गलती तो होते ही रहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। एक कार्यकर्ता ने कहा, उसी बीच वहाँ ही रहने वाले एक कार्यकर्ता ने कहा, तलाशी किनकी करवाएंगे, यार तलाशी मारते रहो, तलाश मतलब खोज ढूंढना, आखिर किसने जो यहाँ सब कुछ चोरी किए है, या तलाशी किनकी करवाएंगे। आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए हैं। आधे से आधे मतलब लगभग 30-35 ईमानदार डेलीगेट वहां उपस्थित थे, उसमें से 15-20 लोग अब तो चले गए हैं, अब तो वहां अपने गांव चले गए हैं, और जो किराया लेकर, जो उनको आने जाने की किराया और ये सभी कहा था ना, वहाँ किराया लेकर यहाँ से निकल चुके हैं, और आधे के लगभग गए हैं और आधे बाकी है, आधे रहने वाले लोगों का तलाशी करना है, यदि करना है तो भी जो लेके जाने वाले तो लेके गए हैं, ऐसा कह रहे हैं। तलाशी किन किन की करवाएंगे, आदि के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही यहाँ वापस चले गए हैं। रात को पहनने का मतलब यहाँ कहते हैं मंत्री भी चुप हो गए, क्योंकि क्या है, किन किन का तलाश ले सकते हैं, हमारे लेखक भी यहाँ चुप हो गए, क्योंकि क्या है, लगभग आधे के डेलीगेट मात्र यहाँ है। रात को पहनने के कपड़े सिरहाने दबाकर सोया, जो बाकी का कपड़ा था ना, जो रात को पहनने का जो कपड़ा था ना, लेखक ने सिरहाने दबा कर धोया, सॉरी सोया, सिरहाने मतलब पहले दिन में मारकुंडो मल्ले को बिठा रहे कहते रहे, और यहाँ वहाँ रखे तो डेफिनेटली वहाँ भी चोरी होने वाला है, इसलिए यहाँ अपने सिर के जो नीचे दबा कर सोया। नई चप्पलें और शेविंग की डब्बा बिस्तर के नीचे दबाया, नई चप्पलें जो पहले इससे पहले लिया हुआ चप्पल ईमानदार डेलीगेट ने पहनकर गए थे, और नया चप्पल इन्होंने वहाँ मार्केट से लाया था, और वहाँ चप्पल बिस्तर के अंदर दबाया, बिस्तर के अंदर दबा दिया, क्योंकि यहाँ भी चोरी हुए तो मुझे पहनने के लिए चप्पल ही नहीं रहेगा, ऐसा सोच लिया। और सेविंग की डब्बे, जो सेविंग का डब्बा था ना, जो बहुत सारे लोग अपने ट्रैवल में अपना ओन सेविंग डब्बा लेकर जाते हैं, और सेविंग का डब्बा लेकर जाते हैं, और डेली वहाँ सेविंग करना चाहते हैं तो वहाँ पसंद करते हैं। यह तो एक ट्रैवल के किट में यह तो जरूर रहते हैं, सेविंग का डब्बा, यह सेविंग मतलब सेविंग करना, या बिस्तर के नीचे दबाया, या तीनों दोनों को बिस्तर के नीचे दबाकर आराम से सोने के लिए रहते गया। इनके पास तो उनके कपड़े हैं, और साथ ही साथ उसके अलावा बिस्तर के डब्बा, और साथ ही साथ नए चप्पलें हैं, और बाकी क्या हुआ और क्या रात को भी चोरी हो गए, इन सभी विचारों के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सुबह मुझे लौटना था, रात को यहाँ नींद करके सुबह ही वहाँ लौटना चाहता था, क्यों, कारण क्या है, यहाँ और भी समय व्यतीत करना पसंद नहीं था उसे, क्योंकि एक के बाद एक चीज गायब हो रहे हैं, एक के बाद एक चीज गायब हो रहे हैं। यहाँ तो 150 रुपए बचाने के जो कारण से आया था, लेकिन एक के बाद एक चीज गायब होते हुए इनका 150 रुपए चले गए। देखिए कितना जो बड़ी आश्चर्य का जो विचार है। मुझे सुबह मुझे लौटना था, मुझे इन लोगों के
ने अच्छा पैसा दिया, मैंने सामान बांधा, सुबह मुझे लौटना है कहकर इन्होंने अच्छी तरीके से किराया भी दिए और साथ ही साथ इन्होंने अपना सामान बांध कर रखा। मंत्री ने कहा उसी वक्त, स्वागत समिति के मंत्री नहीं तो वहां एक मंत्री आकर ने कहा, परसाई जी गाड़ी आने में देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन भी हो जाए, अब ताला लगा दे देते हैं। उसी समय उन्होंने कहा, मंत्री ने कहा कि परसाई जी गाड़ी आने में थोड़ी देर है, गाड़ी तो आने में थोड़ी देर है, चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन भी हो जाए, एक शानदार तरीके से भोजन भी हम करवा लेते हैं, ऐसा करके कहकर उनको लेकर जाने का जो इच्छा वहां प्रकट किया। तब ताला लगा देते हैं, ताला लगाकर हम चले जाते हैं यहाँ से, यहाँ सोचने लगा, पर ताला भी गायब था। उसी वक्त ताला लगाने के लिए वहां बढ़ते हैं, वहां ताला ही नहीं था, ताला भी गायब था, ताला तक चोरी लिए है, तो इसे ताले को भी नहीं छोड़ा है, ताला को भी नहीं छोड़ा है, और वहां उसको भी वह गायब कर चुके हैं, चुरा लिया है, ऐसा कह रहे हैं। गजब हो गया। मैंने कहा रिक्शा बुलवाइए प्लीज, फर्स्ट रिक्शा बुलवाइए, रिक्शा अभी के अभी मुझे बुलाना है, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ रहे तो ये यहाँ के जो लोग हैं ना, एक एक चीज मेरा गायब कर रहे हैं, यदि मैं यहाँ रहा तो मुझे भी वहां गायब करने वाले हैं, स्टेशन जाऊंगा, वहां यहाँ नहीं रुकूंगा, यहाँ तो हरगिज नहीं रुकूंगा। मंत्री हैरान थे, बोले ऐसा भी क्या नाराजगी है, ऐसा क्यों नाराजगी प्रदर्शित कर रहे हो, क्यों इतना निराशा भाव व्यक्त कर रहे हो। मैंने कहा, लेखक ने कहा, नाराजगी कत ही नहीं है, नाराजगी एंदिगू इल्ल, यावदे कारणक्कू नानु बेसर माड्कोंडिल्ल, नाराजगी मीन्स बेसर अंत हेळ्तारे, नाराजगी कतई नहीं है, बात यहाँ है कि चीजों तो सब चुरा लिया है, एक एक चीज तो यहाँ चुरा लिए है, चश्मे चप्पले चादर कंबल ताला सबके सब चुरा लिया है, अब मैं बचा, बात यहाँ है कि चीज तो सब चुरा लिए है, ताला तक चोरी में चला गया है, ताला एक छोटा सा जो वस्तु है उसको भी इन्होंने उड़ा लिया है, चुरा लिया है, अब मैं बचा हूं, मात्र मैं ही बचा हूं, यदि मैं रहा तो, अगर यहां रुका तो मुझे भी मैं ही चुरा लिया जाऊंगा, मुझको ही ये लोग चोरी कर देते हैं और मुझे ही यहां से उड़ा लेते हैं और लेके जाते हैं, ऐसा कह दिया। चो आप सबको यह पाठ मालूम हुआ है और इस पाठ का आशय भी हम चर्चा करेंगे, एक बार इस पाठ का जो विस्तार तरीके से देखना है तो हरशंकर परसाई जी को ईमानदारों के सम्मेलन करने वाले लोग ईमानदार मानकर उन्हें उद्घाटन करने के लिए बुलाए, हरिशंकर परसाई 150 मतलब वहां सोच कर आया था कि पहले दर्जे का किराया लूंगा, दूसरे दर्जे में जाऊंगा, इससे उसको 150 रुपए बच सकते थे, इसलिए यहां आलोचना करकर वहां जाते हैं, उसका खूब स्वागत हो जाते हैं, शानदार तरीके से भाषण देते हैं, भाषण देकर जैसे ही वहां आकर उपस्थित हुए तब उनका चप्पलें गायब थे, और साथ ही साथ यह भी हुआ था कि चप्पल गायब होने के साथ साथ वह एक आदमी, एक ईमानदार डेलीगेट वह चप्पल पहनकर आया था और कह रहा था कि इनको ही समझा रहे थे, लेखक को ही समझा रहे थे। तब लेखक को बहुत दुख हुआ, कारण क्या है, मेरा ही चप्पल पहनकर मुझे ही समझा रहे हैं। उसके बाद में उनके चादरें गायब हो गए, उसके बाद में बाजू वाले घर से
ब्रीफकेस गायब हो गए, उसके बाद में चश्मा गायब हो गए, इस तरह एक एक करके सब कुछ गायब हो गए। उसके बाद में कंबल भी गायब हो गए, वहाँ रुकना पसंद नहीं करते हैं, ताला लगा कर जाने की जो लोग योजना बनाते हैं तो ताला भी गायब थे। यहाँ ईमानदारों के समय लगता, लेकिन हर एक काम बेईमानी का हो रहा था। मतलब देखिए प्रस्तुत जो वातावरण में कहते हैं ईमानदार, करते हैं बेईमानी के कार्य। यहाँ जो पर्दापाश करने की योजना लेकर हरिशंकर प्रसाद ने व्यंग्य तरीके से कहा है, असल में वहां बेईमानी का कार्य होते रहते हैं। नाम से मात्र ईमानदारी का जो बोर्ड लगाकर घूमते हैं। यहाँ जो पर्दापाश करने के लिए लेखक ने ऐसा जो व्यंग्य तरीके से इन्होंने अपना कहानी सुनाई है। बच्चों, समाज में रहने वाले कुसंगतियों को, समाज में रहने वाले भ्रष्टाचारों को, समाज में रहने वाले घूसखोरियों को, समाज में रहने वाले रिश्वत वातावरण को यह लोगों के सामने व्यंग्य तरीके से रखना इनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी के रचनाओं में हम देख सकते हैं, अद्भुत तरीके से वहाँ लिखे हुए हैं। ऐसे सदाचल का तावीज हो, भोला राम का जीव हो, ये सभी जो कृतियों में उन्होंने सभी कामकाजों को, सरकारी कामकाजों में चलने वाले रिश्वत के वातावरण को व्यंग्य तरीके से कहा है। अब हम पाठ का आशय देखेंगे। पाठ का आशय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह आपको देखना है। इस जगत में अच्छाई बुराई दोनों दिखाई देते हैं, अच्छाई भी है यहाँ बुराई भी है। यहाँ अच्छाई भी आपको महसूस होते हैं, बुराई भी आपको महसूस होते हैं। हम सब क्षीर न्याय की तरह इनमें हमें सिर्फ अच्छाई को अपनाकर बुराई को छोड़ देना चाहिए। आपने तुलसीदास के दोहे में आपने देखे हैं, जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहीम पया परिहरि वारिता विकार। जैसे तुलसीदास जी ने कहा था कि यह विश्व बहुत सारे बुराई अच्छाई, अच्छाई बुराई इन सब से भरे हुए हैं, इनमें हमें बुराइयों को छोड़कर अच्छाई को ओनली स्वीकार करना चाहिए। कैसे? जैसे एक पक्षी है, हंस नामक एक पक्षी है, वहां हंस क्या करते हैं, दूध में मिलाया हुआ विकारी रूपी पानी को सेपरेट करके मात्र दूध ओनली स्वीकार करते हैं ना, उसी तरह समाज में रहने वाले बुराइयों को छोड़कर अच्छाई को ओनली हमें स्वीकार करना चाहिए। इसमें कहते हैं देखिए, हमें सिर्फ अच्छाई को अपना कर बुराई को छोड़ देना चाहिए। बेईमानी एक अवगुण कहलाते हैं, दुर्गुण कहलाते हैं, कट्टा गुण गुण बेईमानी। बेईमानी पर व्यंग्य करते हुए प्रस्तुत रचना द्वारा लेखक ने सचेत किया है कि हमें बेईमानी से दूर रहना चाहिए। देखिए यहाँ बेईमानी से व्यंग्य करते हुए लेखक कह रहा है कि बच्चों, आप सबको क्या है, इन बेईमानी कार्यों से दूर रहना है। कल्लतन माड़ मोस माड़ बेरे ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕಾಲೆಳೆದು ಬೀಳಿಸಾಕುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಏನಂತೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಗಾಡುವುದು, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದು, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಗಾಡುವುದು, ಇದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಿತ ಬೇಯಿಮಾನಿಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಚ್ಚೋ, इस तरह हम और कुछ जो अंशों के बारे में अध्ययन किए हैं, यह सभी अंश आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यह सभी अंश आपको पढ़कर रखना है, यह सबसे महत्वपूर्ण भी कहलाते हैं। इस पाठ के शब्दार्थों के बारे में हम चर्चा करेंगे एक बार। शब्दार्थ है पर्दापाश, अनावरण, कतई, हरगिज, कभी भी, हल्पिया, कसम से, तकलीफ, कष्ट, शानदार, वैभवयुक्त, डेलीगेट,
प्रतिनिधि, जलसा समारोह उत्सव, हिचक संकोच, गनीमत खुशी की बात, चश्मा ऐनक, कागजात कागज पत्र, हल्ला शोर, इत्मीनान भरोसा विश्वास, हरारत हल्का ज्वर, हरगिज बिल्कुल किसी दशा में भी, सिरहाना तकिया तल्लिंबु मध्य कोण पर, ऐसे इस तरह हम इस पाठ के शब्दार्थों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। बच्चों हम ईमानदारों हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा हुआ ईमानदारों के सम्मेलन नामक पाठ पूर्ण तरीके से समाप्त किए हैं और तथा इसके शब्दार्थों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आने वाले कक्षा में इसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। यह कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।